गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज तो लगा से शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं आपके भाई ने साइकिल ली है फूलपना के लिए। साइकिल से अच्छा है बंदा आराम से जाता है और आराम से हार्ट पूरा करता है। वाला वो तो बहुत ही चलना पड़ता था यार, बहुत चलना पड़ता था। ये वाला ठीक है। और अभी मैं जुमा पढ़ के आ रहा हूँ, टाइम हो गया जी दो होने वाले हैं और बहुत गर्मी हो गई यार, गर्मी बहुत हो गई है। और मैंने शिफ्ट आई हुई है फूलपना की 6 से लेकर 9 बजे तक, 3 घंटे की। हम उस शिफ्ट को आधा घंटा पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं तो इंशाल्लाह फिर 5:30 बजे स्टार्ट कर लेंगे या 5:45 बजे, फिर 9 बजे तक वो शिफ्ट जाएगी। ये आपके भाई की साइकिल है, बहुत ही सेट ही नहीं हो रही है, मुझसे पता नहीं क्या चक्कर है इसका, सेट ही नहीं हो रही है पीछे वो लिफ्ट आ गई। 4 hours later तो वेलकम बैक हो गया आप सबका जी। तो अभी हम इधर पहला ऑर्डर आ गया, ये टी स्कूल पता नहीं क्या नाम है इसका, इधर से पहला ऑर्डर उठाना है। लेकिन अब वो कह रहे हैं 5 मिनट वेट करें, तो अभी इधर हम इनका वेट करेंगे। वो जी सीन कुछ ऐसे हैं कि हमें भाई साहब को वेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 5 मिनट लगेंगे, पता नहीं इनके 5 मिनट कब खत्म होंगे। कम से कम लग जाते हैं कितने, तकरीबन अगर आप काम करो ना 3 घंटे, हाँ 3 घंटे 3:30 तो आपको कम से कम 15-16 मिनट लग जाते हैं आराम से। अभी तक वेट कर रहे हैं उनका यार 5 मिनट, 10 मिनट हो गए हैं। नहीं यार क्या बना रहे हैं अंदर से, क्या बना रहे हैं, कितना टाइम लगा रहे हैं। तो भाई साहब पहला ऑर्डर दे दिया हमने, अभी हम दूसरे ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं उठाने के लिए। तो जी थोड़ी बार नहीं, तीसरा ऑर्डर दे दिया है तो और चौथा भी आ गया, अभी फिर जा रहे हैं चौथे ऑर्डर की तरफ। तो चलो चलते हैं आपको दिखाते हैं। आ जाओ जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई की शहजादी खड़ी हुई है, अरे लाइटें चक्कर ऐसी बात आप इसकी लाइटें यहाँ कर देते हैं, अगर पीछे से आने वाली गाड़ी को पता चले कि आगे कुछ जा रहा है। चलो फ़ोन कॉल करते हैं फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट क्या सीन। हम अपने चौथे ऑर्डर की तरफ रवाना हो गए हैं और मौसम चेक करें पीछे, बहुत अच्छा मौसम हुआ है यार, बहुत ही अच्छा मौसम है, लेकिन बारिश भी नहीं हो रही, मौसम भी अच्छा है और ऊपर से गर्मी भी है, पता नहीं क्या चल रहा है ज़िंदगी में। मौसम चेक करें यार, मौसम वहाँ पर ले लिया हमने इधर से, और देना होता है कहाँ पर है, ओ उन बिल्डिंगों में देना है, लग तो पास नहीं है लेकिन घूमना बहुत पड़ता है यार। हमारी गाड़ी होगी रेडी और हम भी चलते हैं फिर अपने सफ़र की तरफ। हाँ चलें जी, बिस्मिल्लाह रहीम। गाड़ी भी आ रही है, गाड़ी भी आ रही है, गाड़ी जाओ स्विफ्ट चेक करो भाई साहब, स्विफ्ट चेक करें। इधर पीछे मस्जिद है, माया था मार्क जुमा पढ़ने के लिए, वो सामने है, वो सामने मस्जिद है, एक फेस्टिवल सिटी है, इसमें जाने के लिए अपना आईडी कार्ड सब कुछ देना पड़ता है। किधर से आ रहे हो, किधर से आ रहे हो, और फिर ये फ़ोन करके पता करते हैं, जिधर हम जा रहे हैं जाने के लिए फ़ोन करके पता करते हैं कि आपने वाकई में खाना मंगवाया या वैसे भी तो भी कर रहे हैं। तो फिर ये कंफर्म करते हैं ऐसे कि हमें मंगवाया है, तो फिर ये हमें जाने के लिए देते हैं। और मैं दूसरा फ़ोन ला ही नहीं सवाल, जैसे मैं वीडियो बनाता कि कैसे ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं और क्या करते हैं, यार याद ही नहीं रहा। चलें कोई बात नहीं, ये बन तो हमने वीडियो वो वाले चेक करते हैं क्या करें उसका। उस बाबे ने मेरी इन्फॉर्मेशन ली है, तो फिर जब अंदर आते हैं तो हमें जाना पड़ता है पोडियम वाले फ्लोर पर, ठीक है। अभी हमारा टावर 3 है, फेज 3 वो आ गया,
ये अभी फेज 3 टावर 2 है, हमारा टावर 3 है, वो आगे जाना पड़ेगा। साउथ कोर्ट और नॉर्थ कोर्ट, हमारा नॉर्थ कोर्ट में है जी। तो अभी चौथा ऑर्डर दे दिया है, अभी वेट करते हैं कि पांचवा ऑर्डर कब आए। तो एक और ऑर्डर आ गया था, अभी जा रहा हूँ ऑर्डर देने के लिए। अभी ये साथ साथ एक जा रही है, क्या करते हैं चील के हैं जो भी कह रहे हैं, ये साथ साथ हमारे। और अभी हमें इसके अंदर होना होगा, सब्वे के अंदर होना होगा। ज़्यादातर बंदे फूड पांडा ही खा रहे हैं आजकल, और हम भी आपका भाई भी फूड पांडा खा रहे हैं। टाइम तो हो गया, 8:30 हो गए, तकरीबन 8:30 हो गए। तो जी भाई लोग अभी 8:30 हो गए हैं, और मेरी तकरीबन 7वीं डिलीवरी है, 6वीं या 3 है, बीच में बैठा रहा, मैं वेट करता रहा एड्रेस का। तो अभी मेरी 6ठी डिलीवरी है, और अभी मैंने जाना है, पता नहीं इस उस साइड पर जाना है डिलीवरी देने के लिए, या इस साइड पर पता नहीं, मुझे भूल ही गया। चलें जब उठाएंगे पता चल जाएगा किधर जाना है। फिलहाल तो अभी वेट कर रहे हैं, इस खाना मैंने, और अपनी रानी भी खड़ी हुई है चम चम करके। पांडा ही पांडा हो रहा है, इधर भी बाइक खड़ा है और एक वो उधर खड़ा हुआ सामने। ये आजकल ज़्यादातर लोग पांडा ही कर रहे हैं, और आपका भाई भी पांडा ही कर रहे हैं। तो चलो वेट करते हैं कितनी देर में तैयार करते हैं ये। तो भाई सीन कुछ ऐसा होता है कि जो उधर नंबर लिखा हुआ है 8 से 7 जैसे लिखा हुआ है, इधर ऑर्डर पर लिखा होगा एस वाला नंबर, तो इन दोनों को मैच करके मेक श्योर वही बार उठाएँ, और फिर कंफर्म पिकअप करें। फिर जब आप कस्टमर लोकेशन पर पहुँच जाएँ तो एंटर कस्टमर करके फिर टेक फोटो करनी है एज अ डिलीवरी प्रूफ, वो फूड पांडा वाले मांगते होते हैं, और फिर कंफर्म ड्रॉप ऑफ करें, और फिर आपका काम ख़त्म। ऑल सेट टू गो, आखिरी डिलीवरी देने जा रहे हैं, और अभी टाइम हो गया है 9 हो गए हैं, और मेरी डिलीवरी भी 9 बजे तक थी, और 9 हो गए हैं, और ये मेरा आखिरी ऑर्डर है, और ये मेरा 9वां ऑर्डर है शायद, 9वां कि 10वां। मैंने कहा ना कि जब अगर ना इतवार सैटरडे संडे तब इनके ऑर्डर ठीक हो जाते हैं। हम जा रहे हैं अपने आखिरी ऑर्डर लेके जाने, आज का हम ब्लॉग यहाँ प्रिंट करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो आज की टोटल डिलीवरीज मैंने की हैं 10, और कम से कम एक डिलीवरी के मिलते हैं इधर $2,829, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मिले हैं आज 35, एक डिलीवरी के 35 मिले हैं, और तकरीबन मेरा बन गया है 300 बन गया है $300। पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि आज जुम्मा था, फ्राइडे था, मैंने आज एक की शिफ्ट पर काम किया है, एक की मतलब कि वो शिफ्ट पर काम किया है 6 से लेकर 9 बजे तक। वैसे मैं करता होता हूँ एक 6 से 9, और दूसरा करता हूँ 11 से लेकर 1 बजे तक, 11, 12, 1, हाँ 11, 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक, 1:30 बजे तक इतना करता हूँ। तो आप सब जाने ना कि कितना बनता होगा, तो तब तक के लिए फिर चलें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक बात बताना भूल गया यार आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और सब्सक्राइब भी कर दें यार, आपके लिए कर रहे हैं सब कुछ आपके लिए, सब्सक्राइब भी कर दें। कल सैटरडे है, सैटरडे नाइट को सही काम होता है, 8 से 6 से लेकर 10 बजे तक ना, 6 से लेकर 9 बजे तक मैं करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 6 से 9 करता हूँ 3 घंटे, ये बहुत बेस्ट है। और फ्राइडे और संडे सैटरडे संडे को बहुत काम होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट संडे और सैटरडे पता नहीं कब था, सैटरडे था या संडे था, मेरे कम से कम लगे थे ऑर्डर 15, आप अगर सब लगा लें, नॉर्मल डेज भी लगे थे 10, क्योंकि आज मेरे 10 लगे हैं, वो
नॉर्मल डेज में इतना काम भी नहीं होता और बस अच्छी है, गुजारा हो जाता है आपके बाइक का। और तो चले मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, बात करके। अल्लाह हाफिज़।